वेलकम बैक टू गाइस, मैं हूं सुनील विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं इसके ब्लॉग्स फार्मिंग लाइफ। गाइस, आपने इसके पिछले ब्लॉग में देखा होगा जब हमने पौधा रोपण किया था, पौधे लगाए थे, उसमें आपने फूफा जी को भी देखा होगा। वो यहां पर आते जाते रहते हैं क्योंकि पास में गाँव है, हमारी थोड़ी बहुत हेल्प कराते रहते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बोने के हिसाब से इनके यहाँ पानी पड़ गया था खेड़ी में, तो वहाँ पर बो के आ गए हैं। मतलब सोयाबीन हमने बुआई कर दी है और अब हमारे इधर भी अच्छा पानी गिर गया है, तो फूफा जी यहाँ पर हेल्प कराने के लिए आ गए हैं। तो चलिए आज बोनी करते हैं। तो हमारे एमपी में सोयाबीन की बोनी होती है और अभी हमारा छोटू भैया भी ट्रैक्टर लेकर आने वाले हैं। बस जस्ट हमने बीज तैयार कर लिया, आपको बताता हूँ अभी कैसी उसकी प्रोसेस रहती है, कैसे हम बोते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। तो हमने बखराई वगैरह तो कर दी थी जैसा कि व्लॉग में देखा आपने, और अब करेंगे बुवाई। आप देख सकते हैं हमारे हाथ भी थोड़े हरे हो गए हैं। ये है कल्चर, कल्चर का हाथ, दोनों पापा जी और दोनों कर रहे थे, कल्चर मिला रहे थे। तो गाइस ये थोड़ा सा हालांकि इसमें मोजे देते हैं साथ में, लेकिन हम प्रयोग नहीं करते क्योंकि वो क्या है कि बार बार फट जाते हैं इधर से उधर से। तो वैसे तो देसी काम ही करना चाहिए, फटाफट से हो भी जाए। तो चलिए बढ़ाते हैं वीडियो को आगे और बुआई करते हैं फटाफट, क्योंकि मौसम पानी का रोज़ बनता है और रोज़ हमें थोड़ी बहुत गैप देता है, तो उसमें हम कर देते हैं हमारा काम काज सारा। तो चलो करते हैं बुआई। ये जो साउंड बजी रहे हो ना भाई जी, ये मानने थोड़ी है, ये मैं हेलो उठी गया हूँ काम में नहीं दियो ने। थोड़े से गेम में निकल जाए ट्रैक्टर। चलो फंदे का तो छोटा फांदा नहीं है, फांदा नहीं है, हीट निकालो ने हीट, वो हीट निकालो ना। मैं नींद में है, कई बार हम कहीं गेट हेडने कर जाना तो आई थाई पापा जी को उठने का काम ही नहीं दियो। निपटी गया जरा, हाँ दिया को बहुत लौट था तुम्हारे बहुत ज्यादा। चलो हाँ, तो गाइस देख सकते हैं ये आप देख रहे होंगे, ये सोयाबीन है 95-60, मतलब इसका प्रकार है, इसका नाम है, क्रॉस करके 95-60 बनाया गया है। और इसको गाइस हमने कल्चर से, लिक्विड कल्चर से पूरा, मतलब इस पर ये रंग दिया है, इसको रंगना बोल सकते हैं, ताकि हम ये अच्छे हैं, ये अगर चिपक गया है तो ये इसको कीड़ा नहीं खा पाएगा और ये गलेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, हमारा बीज एकदम मिट्टी में सुरक्षित रहकर अंकुरित होगा। तो ऐसा कल्चर मिलाते हैं गाइस। ये झेलोरा है, झेलोरा कंपनी का, ये यहाँ पर हमारा कल्चर का काम हो रहा है पूरा। ये थोड़ा सा पानी लिक्विड मिलाकर हम ऐसा काम कर रहे हैं और यही हमने ये बोरियों में भर दिया अंदर। अब मैं जहाँ पर हम ट्रैक्टर सीड्रिल द्वारा इनकी बुआई कर रहे हैं वहाँ पर लेकर जाता हूँ बीज को। तो चलिए चलते हैं अभी फटाक से। ये अभी क्या है कि हमने इसको गीला करके लिक्विड से इसको रंगा है, मतलब झेलोरा से, कल्चर से। तो गाइस ये अभी इसको थोड़ा सूखा लेते हैं क्योंकि गीला गीला थोड़ा प्रॉब्लम देता है, सीड्रिल में ठीक से बीज बो नहीं पाता, इसलिए इसको सुखाते हैं। तो थोड़ा सा फर्क, थोड़ा सा सूख जाएगा, तो 10-1 मिनट की देरी से सूख जाएगा ये। तो चलिए गाइस वीडियो को बढ़ाते हैं आगे और फटाफट से खेत में चलते हैं इन बोरियों को लेकर, ताकि वहाँ पर एडिटर साहब अच्छे तरीके से बो रहे हैं उनको, तो वहाँ पर सीड्रिल खाली हो जाएगी, तो ये बीज वापस डालेंगे उसमें। चलिए चलते हैं। देखिए गाइस हमारा बड़ा खेत, इतना हम बो चुके हैं इसको, इसको जिस तरफ से ये लंबा है उसी तरफ से बुआया जा रहा है। देखिए बताते हैं एडिटर साहब कहाँ पर है। गाइस आपको ट्रैक्टर दिख रहा है आ रहा है उधर से, हाँ
हाँ तो गाइस देख सकते हैं मैं एक बोरी लेकर जा रहा हूँ। देखिए टंगी मेरे पीछे, ये सोयाबीन की है, RBS सोयाबीन की। अभी इसके बाद हमें वापस 95 शाट बोने हैं हमारे खेतों में। और गाइस बड़ा खेत तो बो चुके हैं हम। देखिए गाय, गाय दिख रही है आपको, गाय बहुत परेशान कर रही है आजकल बहुत ज़्यादा। तो अभी तक फूफा जी मनीष वगैरह घर नहीं गए हैं, ये देखिए फूफा जी भी यहीं खड़े हैं। तो चलिए अभी चलते हैं घर पे, आई रही हूँ। गाइस फूफा जी, आज फूफा जी को दिन भर हो गया यहीं पे, और वो ट्रैक्टर चल रहा है। हाँ अभी फूफा जी कब तक हो जाएगा बोनी? अपने भैया 6 बजे तक निपट जाना, 6:30 बजे तक खरी। क्यों पा दो दो पोटली भर लू नहीं हो रहा हूँ। अरे न्यू है बीघा भर में से जाऊँ, वहीं से वहीं निकल जाऊँ। हाँ चलते रहे। जब बात सी समस्या हो कसो हो मारे वीडियो शूटिंग करने पड़े। पापा मैं 4 बार को बीच जीत दिया सुबह कितना है मनीष भैया, चलिए आ गई।